अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल माय पैरट वाईफाई एंड मी। हेलो बर्ड्स लवर, आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका तोता बात कर सकता है या फिर नहीं। आपके घर में जो तोता है, जिसे आप रोज़ ट्रेनिंग दे रहे हो, क्या वो बोलना सीखेगा? या फिर आप एक तोता खरीदने की सोच रहे हो, तो फिर जिस पैरट को आप मार्केट से खरीद कर लाओगे, क्या वो बोलना सीख जाएगा या फिर नहीं? इसी टॉपिक पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसीलिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट और नॉलेजेबल होने वाली है। इसलिए वीडियो पर एंड तक बने रहे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करें, ताकि ऐसी ही न्यू और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि आप जो पैरट को ट्रेनिंग दे रहे हो, जो तोते को ट्रेनिंग दे रहे हो, वो बोलना सीखेगा भी या फिर नहीं। सीख सकता है तो आपको रेगुलर ट्रेनिंग देनी है, और नहीं सीख सकता है तो आपको उस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप कोई और पैरट लेकर उस पर एफर्ट करिए। दूसरी चीज़, जिस पैरट को आप मार्केट से ख़रीद रहे हो, तो क्या वो सिखाने पर सीख जाएगा? अगर वो टॉकिंग पैरट बन सकता है, वो सीख सकता है, तो ही वो पैरट को लीजिए। अदरवाइज उसको भी लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आप पहले से बचपन से सुनते आ रहे हो कि तोता बात कर सकता है। दुनिया में जितने भी पैरट हैं, वो सभी बोल सकते हैं, बट उसको कोई इंसान सिखाएगा तो ही वो सीख सकते हैं। टॉकिंग एबिलिटी पैरट में गॉड गिफ्टेड नहीं होती है। जब उसे कोई इंसान सिखाएगा तो ही वो टॉकिंग है। उसका भी एक सीखने का एज होता है। उस एज में अगर आप उनको सिखाओगे तो ही वो टॉकिंग सीखेगा। अदरवाइज अगर वो एक एज क्रॉस कर गया है, तो उसको लग सिखाने के बावजूद वो टॉकिंग नहीं सीखेगा। आपके घर में जो तोता है, वो बोलना सीखेगा या फिर नहीं, ये भी उसकी एज पर ही डिपेंड करता है। आप 4 मंथ के पैरट से लेके 15 मंथ के पैरट तक को बोलना सिखा सकते हो। मतलब कि आपके पैरट का 4 महीने, 5 महीने, इवन अगर आपका पैरोट 10 मंथ का है, तो भी आप उसको सिखाओगे अच्छी तरीके से तो आपके सिखाने पर वो सीख जाए। 1 ईयर की एज के बाद थोड़ा सा मुश्किल होता है पैरट को सीखना, ठीक है, बट फिर भी अगर आपका पैरोट 1 ईयर से 15 मंथ तक का है, तो भी आप उस पर कोशिश कर सकते हो। मतलब 50-50 है, ठीक है, बट आप कोशिश कर सकते हो। बट उससे बड़ा अगर पैरट है तो वो नहीं सीख पाएगा। इसीलिए अगर आप टॉकिंग के लिए पैरट ले रहे हो, तो आपको 1 साल से कम का पैरट लेना है। अभी हम पैरट का एज कैसे जज कर सकते हैं? कैसे हम पता करें कि हम जो पैरट ले रहे हैं वो 1 साल से कम का है? तो एज आइडेंटिफिकेशन पर भी मैंने वीडियो बनाई हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो बाय एवरीवन।